पांच सस्पेंस इमोशन से भरपूर वेदा फिल्म रिलीज हो चुकी है। इस वीडियो में दोस्तों हम करने वाले फिल्म का रिव्यू, साथ ही फिल्म की स्टोरी लाइन क्या है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। इसके अलावा फिल्म को रिलीज हुए दो दिन कंप्लीट हो चुके हैं, तो दो दिन में इस फिल्म ने कितना कलेक्शन किया उसके बारे में भी हम वीडियो में बात करने वाले। जिन लोगों को इस फिल्म के बारे में नहीं पता उनको सबसे पहले बता देता हूं, उसी इंडस्ट्री की फिल्म है जिस इंडस्ट्री की केजीएफ और कांतारा है। मतलब दोस्तों ये कन्नड़ा इंडस्ट्री की फिल्म है। फिल्म के मेन लीड रोल में आपको नजर आने वाले शिवराज कुमार, गणवीर लक्ष्मण और श्वेता सेंगपा। अब देखिए शिवराज कुमार ने इस फिल्म में एक फादर का रोल प्ले किया और श्वेता ने शिवराज कुमार की वाइफ और गणवीर लक्ष्मण जो है उन्होंने इस फिल्म में उनकी बेटी होने का रोल निभाया। खैर बात करते हैं सबसे पहले फिल्म की स्टोरी लाइन की। वीडियो में दोस्तों स्टोरी के मेन पॉइंट ही बताऊंगा, बाकी पूरी स्टोरी एक्सप्लेन नहीं करूंगा। फिल्म के स्टारिंग में जो शिवराज कुमार की बेटी होती है उसका 12 साल की उम्र में 5 लोग रेप कर देते हैं। इस फिल्म की कहानी दोस्तों रेप करने वालों पर ही बनाई गई है। आपको शायद बताओगे 2012 में एक इसी तरह का निर्भया केस हुआ था, उसी से इंस्पायर होकर ये फिल्म बनाई गई है। वहाँ पर भी 5 लोग ही उस लड़की का रेप करते, फिल्म में भी 5 लोग ही उसका रेप करते। खैर फर्स्ट हाफ में 5 लोग उसका रेप करते और आगे पूरा फर्स्ट हाफ खत्म हो जाता है, लेकिन उस फर्स्ट हाफ में ये पता नहीं चलता कि वो लड़की शिवराज कुमार की बेटी है। रेप होने के बाद शिवराज कुमार उन लोग खुद ही मार सकता था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और अपनी बेटी को फाइटिंग वगैरह सब कुछ सिखा कर उनको मरवाया। अब फर्स्ट हाफ में उन 5 लोग में 4 लोग पूरी तरह खत्म कर दिया जाता है। उसके बाद आता सेकंड हाफ में दोस्तों एक जन बचता है, लेकिन उसके बारे में शिवराज को पता नहीं होता कि आखिर वो कौन है। मतलब 4 को तो वो लोग मार देते लेकिन 5वे के बारे में उनको पता नहीं होता। तो सेकंड हाफ में कहीं देर तक उनको वो 5वा लड़का नहीं मिलता, लेकिन भाई साहब मिलता है तो उन सब के ही होश उड़ा देता है। दरअसल दोस्तों वो 5वा लड़का शिवराज कुमार का ही दोस्त होता है, उसी ने ये काम किया होता है। वो बोलते ना विश्वास का फायदा उठाया या फिर पीठ पीछे खंजर भोंक दिया, वो वाला सीन यहाँ पर होता है। अब उसको भी आगे खत्म कर दिया जाता है और फिल्म की कहानी पूरी हो जाती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसने तो पूरी फिल्म की कहानी बता दी, लेकिन आपको बता दूं ये खाली फिल्म की 5% कहानी ही है। ये तो खाली मैंने थोड़े बहुत एक्शन सीन ही बताया, बाकी इससे ज्यादा एक्शन सीन तो आपको फिल्म में नजर आएंगे। दोस्तों काफी शानदार है, लेकिन इसमें एक गलती इन लोगों ने कर दी कि हिंदी में इन लोगों ने रिलीज नहीं की। इस फिल्म को हिंदी में भी रिलीज करना चाहिए, कहानी लोगों को काफी ज्यादा पसंद आएगी, साथ ही कांतारा की तरह ये भी बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा देगी। और बात करते हैं इसके डे 1 के कलेक्शन की, तो डे 1 के अंदर इसने कलेक्शन किया 2,75,00,000 का और डे 2 में किया 3,25,00,000 का, जो कि एक तरह से देखे तो बहुत ही बड़ी बात है। बाकी आज संडे तो आज ये फिल्म अच्छा खासा कलेक्शन कर सकती है। बाकी दोस्तों अगर आप लोगों ने ये फिल्म देखी है तो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना।